Hi guys, welcome to the Kids Coding Club. My name is Karishma Dhakar, your coding teacher. So, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो अगर देखा है तो हम अभी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एप लैब का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं. फर्स्ट लेसन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 2, दैट इज बटन्स एंड इवेंट्स. ओके, तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने अभी तक प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें. Okay, so let's start the lesson number 2, buttons and event. So you can see we have so many activities in this. Okay, the first one is intro to debugging and common problems. Okay, so open it. Okay, so here first one is a video, common types of error. Okay, so if you want to see this video then you can, but I'm coming to the second one activity. Okay, so this is, you can see in the mobile area, we have one button, okay, blue button. So first of all, we will read the instructions. Debugging event-driven programming. Okay, so do this. Verify that the button ID match the event handler. Look for error message in the debug console. So you can see at the last, okay, this white area is a debug console. This one area, you can see the heading debug console. When we click on this button, run button, and click this property, so this is already done actually. If I set it something else like just a normal anything else ID, okay, now click on the run button. So one warning message is coming that the on event ID parameter refers to an ID blue button which does not exist. Okay, so it says that कि आपके फाइल में ऐसी कोई भी आईडी नहीं है जो इस नाम की हो. ठीक है, बटन जो भी हमने आईडी वगैरह वगैरह कुछ भी यूज़ की हो, हमें पर्टिकुलर एक आईडी यूज़ करनी है ये जिसको बटन की आईडी है. यू कैन चेक द आईडी आल्सो. देखो, जैसे आप इस बटन के ऊपर कर्सर लेके आएंगे, यू कैन चेक द आईडी ब्लू बटन. ओके, सो हमें यहाँ पे ऑन इवेंट की फर्स्ट जो हमारा ब्लॉक होता है, फर्स्ट पैरामीटर, वहाँ हमें अच्छे से सेम टू सेम करेक्ट आईडी हमें लिखनी है. So, अभी लिख देते हैं एकदम करेक्ट वाली आईडी. टाइप हियर डबल टी ब्लू बटन एंड क्लिक इज अ एक्शन. ओके, एंड व्हाट टू डू, सेट प्रॉपर्टी स्क्रीन वन दिस. ठीक है, आईडी ऑफ स्क्रीन स्क्रीन वन. सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ स्क्रीन इन ब्लू कलर. ओके, व्हेन वी प्रेस द ब्लू बटन, व्हेन वी क्लिक द ब्लू बटन. ओके, सो रन click, tan. Okay, finish it, continue. Okay, so this is also the same debugging wala activity. Okay, so here predict, what is predict, what will happen when the button is click, and observe, run the program to observe what happened and what was prediction correct. To understand a new piece of code, good programmer often try to first make a prediction about what will happen before running the program. So this program has two event handler listening for on event on the same button. Okay, so this is a only button, hamare paas only ek button hai, that is click it. ओके, इट मींस हमें इस पे क्लिक करना है ऑब्वियसली. ठीक है, अब यहाँ पे दो इवेंट हैंडलर यूज हो रहे हैं, राइट. ऑन इवेंट इज इवेंट हैंडलर जो किसी इवेंट को हैंडल करते हैं. ओके, अभी यहाँ पे कौन सा इवेंट है, क्लिक इवेंट, करेक्ट. सो हमने यहाँ टू इवेंट हैंडलर यूज किए हैं. ठीक है, फर्स्ट इवेंट हैंडलर में हमने यूज किया ऑन इवेंट बटन वन क्लिक, बटन वन आईडी ऑफ बटन वन. ठीक है, क्लिक इट की आईडी बटन वन. अगर ये क्लिक होता है तो क्या हो, सेट प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी बटन वन की प्रॉपर्टी का टेक्स्ट कलर शुड बी
पिंक। हम क्या कर रहे हैं, जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो टेक्स्ट कलर है जो अभी व्हाइट में आपको नजर आ रहा है वो कलर किस में चेंज हो जाना चाहिए, पिंक कलर में। और साथ की साथ में हमने एक और इवेंट हैंडलर यूज किया है, ऑन इवेंट बटन वन क्लिक, मतलब बटन वन क्लिक करते ही पिंक तो होगा कलर, टेक्स्ट कलर, साथ ही जो बटन वन का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स दो चेंजेस हम कर रहे हैं, इसके दो प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर रहे हैं। तो जितनी प्रॉपर्टीज को आपको चेंज करना है या तो आप उन्हें सबको अलग अलग ऑन इवेंट इवेंट हैंडलर में आप उन्हें यूज करें या फिर एक साथ भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो रन इट, क्लिक इट, यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। अब मैं इसे इस तरह भी यूज कर सकती थी कि सेट बैकग्राउंड को हमें यहाँ पे इसी के नीचे जस्ट यूज कर लेती, इस ऑन इवेंट को मैं यूज नहीं करती। रन क्लिक, दोनों तरीके एकदम ठीक है, आपकी जैसी मर्जी हो आप वो तरीका चूज कर सकते हैं। लेट्स फिनिश इट एंड कंटिन्यू। ओके, सो इन द फोर्थ वन एक्टिविटी हमें वापस कुछ डीबगिंग करनी है। ओके, डीबगिंग, डू दिस, रन द प्रोग्राम, रीड द मैसेज इन द डिबग कंसोल फॉर क्लूज। ठीक है, सो हमने रन किया प्रोग्राम को और हमारे एक वार्निंग मैसेज आया, द ऑन इवेंट आईडी पैरामीटर रेफर्स टू एन आईडी रेड बटन विच डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो रेड बटन है, ये नीचे वाला रेड बटन, ठीक है, यू कैन सी द येलो ट्राइंगल हियर, ये वार्निंग मैसेज का एक सिंबल होता है। ठीक है, इट मीन्स इस लाइन में एक वार्निंग है, ऑन इवेंट रेड बटन, मतलब ये जो रेड बटन है ये डिफाइन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हम क्या करेंगे, देन आईडी को चेक करेंगे, सबसे पहले इसे रीसेट करेंगे, देन इसकी आईडी है ब्लू बटन, इसकी आईडी है रेड बटन, रेड बटन है बट आर स्मॉल लेटर्स में है। सो हम क्या करेंगे, देन यहाँ पर आके इस आर को हम कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल लेटर में, लेट्स इट। वापस हम रन करते हैं, ब्लू बटन ब्लू कलर, रेड बटन रेड कलर, ब्लू बटन ब्लू कलर, रेड बटन रेड कलर। ओके, अ सिंपल प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी, फिनिश, कंटिन्यू। ओके, सो हियर इन द इंस्ट्रक्शंस इन्वेस्टिगेट द कोड एंड मेक अ प्रेडिक्शन व्हाट शुड हैपन हियर, रन द प्रोग्राम एंड एक्सपेरिमेंट टू सी व्हाट्स रॉन्ग। ओके, सो रन करते हैं प्रोग्राम को, ग्रीन कलर पे येलो कलर फील हो रहा है और येलो पे आई थिंक सो येलो ही हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने येलो कलर पे क्लिक किया, येलो बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर, किसका बैकग्राउंड, स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है, बट जब हमने ग्रीन बटन पे क्लिक किया तब वो येलो कलर में ही चेंज हो रहा है। इट मीन्स हमें उसके कलर की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, किसका बैकग्राउंड कलर, स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर, ठीक है, उन खुद का बैकग्राउंड कलर सेम ही रहेगा, बटन्स का, स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर रहे हैं। सो यू कैन सी, ओके जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए स्क्रीन वन को क्लिक किया, दैट्स वाई वो कलर हमारा येलो हो रहा है। ठीक है, और हमने ऊपर वाला जो इवेंट हैंडलर है उसमें भी सेट प्रॉपर्टी में हमने स्क्रीन वन को चूज किया है, ठीक है, उससे हमारा कलर ग्रीन हो रहा है, सॉरी, फर्स्ट वन इज फाइन। ऑन इवेंट बटन वन, इट मींस बटन वन हमारा रेड वाला बटन है, उससे हमने क्लिक किया तो स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर हमारा ग्रीन होना चाहिए। ओके, बटन वन से, दिस वन से, और जब हम ये जो देखो अब सेकेंड वाला जो ऑन इवेंट है उसमें हमने स्क्रीन वन चूज किया हुआ है, स्क्रीन वन की आईडी, स्क्रीन को अगर हम तब भी कभी भी चूज करते हैं इन द ऑन इवेंट आईडी, तो हमेशा एक चीज आप प्लीज याद रखें कि स्क्रीन पे अगर आप बटन बनाते हैं, इमेज यूज करते हैं, लेबल, कुछ भी एनी टूल आप यूज करते हैं और उस पे आप क्लिक करते हैं, इट मींस कोई भी आप इवेंट परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, तो साथ के साथ में स्क्रीन पे भी वो एक्शन
परफॉर्म होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर आपने बटन और स्क्रीन दोनों की क्लिक के बाद कुछ एक्शन आप परफॉर्म करवा रहे हैं, जैसे किसी का कलर ही भले चेंज कर रहे हैं, तो स्क्रीन वन पे क्लिक करने के बाद जो कोड आपने लिखा है वही आपको शो होगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हमने भले कितना ही कोड कर लिया हो, बटन वन पे क्लिक करे तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, कितना ही कोड कर लेंगे कोई वो उसे नहीं देखेगा, बिकॉज स्क्रीन वन हमने यूज़ किया है। स्क्रीन भाई बटन भी स्क्रीन पे ही लगा हुआ है ऑब्वियसली, अगर आप बटन को क्लिक करते हैं तो स्क्रीन भी ऑब्वियसली क्लिक होगी ही सही। तो स्क्रीन का कोड आपने बाद में लिखा है और स्क्रीन का कोड अप्लाई हो रहा है, तो हमें यहाँ से इसके बटन को चेंज करना है टू बटन टू, दैट्स इट। अब रन करके देखते हैं, ये येलो, ये ग्रीन, ये येलो, ये ग्रीन, ये येलो, ये ग्रीन, दैट्स इट, फिनिश, कंटिन्यू। सेट पोजीशंस एंड स्क्रीन डायमेंशंस। नाउ नेक्स्ट वाला जो एक एक्टिविटी है वो आपकी पोजीशन सेट करने के लिए यूज में होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक बटन यूज किया, ठीक है, उस बटन की पोजीशन आपने एकदम टॉप लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है वहाँ आपने यूज़ की, देन यू वॉन्ट दैट मुझे यहाँ पे इसकी पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे इसकी पोजीशन चाहिए तो सेंटर में या फिर बॉटम में कुछ भी अलग से पोजीशन चाहिए, तो आप उस चीज़ को डिज़ाइन से भी कर सकते हैं और कोडिंग से भी कर सकते हैं। बाई यूजिंग सेट पोजिशन ब्लॉक हम उसकी किसी भी टूल की पोजिशन को सेट कर सकते हैं। सो यू कैन सी हेयर, ठीक है, जो विड्थ होती है हमारी, विड्थ इज आर एक्स, आई मीन लेफ्ट टू राइट इज आर एक्स एंड टॉप टू बॉटम इज आर वाई। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो हियर Using set position, मतलब हमें set position वाला block use करना है। Set a small project for you with a button ID move button, ठीक है, already added in a design mode, but do this, use a set position to move the button to the middle of the screen when click. Okay, and once you got the button moving to the middle of the screen, click finish to move on to the next challenge, ठीक है जी। क्या करना है हमें, ऐड ऑन इवेंट ब्लॉक, ऑन इवेंट ब्लॉक हमने ऐड किया, ड्रैग सेट पोजीशन कमांड, इसमें हमने सेट पोजीशन कमांड लगा देनी है। सो हम चेक करेंगे, ये है हमारी सेट पोजीशन कमांड, ये कमांड हमने यूज़ की है। आफ्टर दैट इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को अब हमें सेट करना है। आप देख सकते हैं बटन वन क्लिक, इट मीन्स ये जो बटन है इसे क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो मैं चाहती हूँ इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो पोजीशन में सबसे पहले आपको सेट पोजीशन में फाइव पैरामीटर्स देने हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज फॉर आईडी, किसका पोजीशन आपको चेंज करना है, ठीक है। सेकेंड वन इज एक्स, क्या उसकी एक्स पोजीशन रखनी है, तो मुझे लगता है अभी इसकी एक्स पोजीशन अराउंड 150 to 160 समथिंग है, ठीक है, तो मैं इसको कर देती हूँ लाइक 120, सो हमें देना है 120। एंड इसकी जो वाई पोजीशन है उसे मैं करूँगी लाइक 200। आफ्टर दैट फोर्थ एंड फिफ्थ जो पैरामीटर्स हैं वो है इसकी विड्थ और हाइट के लिए, तो मैंने इसे 50-50 यूज़ किया है, 50 and 50। लेट्स रन, रन, लुक, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हुई है और साथ के साथ में उसकी हाइट एंड विड्थ भी चेंज हुई, लुक, फिनिश। ओके, so in this lesson do this, make the button jump anywhere on the visible screen each time it's click, तो हमने यही चीज़ दोनों चीज़ हमने एक साथ इन द प्रीवियस एक्टिविटी हमने परफॉर्म कर ली थी। हमने क्या किया था, उसकी पोजिशन भी चेंज की थी और इसकी हाइट एंड विड्थ भी चेंज की थी। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू चेंज द हाइट एंड विड्थ, देन आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से
बैक कर सकते हैं, ठीक है। जो जो एरोज आपको दिख रहे हैं इनके आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, अगर आपको पैरामीटर्स फुल नहीं देने हैं। जितने पैरामीटर्स आपको देने हैं उतने पैरामीटर्स आप ऐड कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर दो पैरामीटर्स हाइट और विथ वाले लेस करके आपको जस्ट उसकी पोजिशन चेंज करेंगे। सो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ लाइक 20 और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ लाइक 50। एक्स एंड वाई पोजिशन हमने चेंज की है बटन वन की। सो रन, लुक, फिनिश एंड कंटिन्यू। इन द नाइन्थ वन एक्टिविटी सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लेबल ऐड करना है, नॉर्मल एक लेबल, ठीक है। सो हम लेबल ऐड करेंगे इन द डिज़ाइन पार्ट। डिज़ाइन पार्ट पे आके मूव दिस, ड्रैग दिस लेबल एंड ड्रॉप हियर। अब इस लेबल में हमें लिखना है इन द टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करेंगे, सॉरी चेंज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्राई टू कैच, ओके ओके। सो इसके बाद आई थिंक हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस में हमें इतना ही गिवन है कि आपको एक लेबल लेना है, उसमें आपको उसका टेक्स्ट चेंज करना है और बाकी कोई भी प्रॉपर्टीज अगर आप चेंज करना चाहते हैं देन यू कैन। सो लेट्स फिनिश इट, रन एंड फिनिश, कंटिन्यू। In the 10th one activity, you can see the instructions. Play with different event types. Okay, so we have some buttons here: mouse up, mouse down, click, mouse over, and mouse move. So, first of all, just read the instructions. If you haven't yet, you should experiment with different event types with your own event blocks. ओके जैसा कि अभी तक हम ओनली क्लिक इवेंट को यूज़ करते आ रही थी, ऐसे ही काफ़ी सारी इवेंट्स होती हैं, जैसे कि आपको लिस्ट में नज़र आएगा यहाँ पे, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, छोटे से ट्रायंगल पे, देन यू कैन सी ऑल द इवेंट्स हियर, लुक, ओके। द वन दैट विल वर्क बेस्ट हियर आर माउस रिलेटेड वन, सच एज क्लिक, माउस मूव, माउस डाउन, माउस अप एंड सो मैनी, ओके। सो डू दिस in this activity, experiment with each one of the ones that start with mouse, okay. Use the drop down in the event block to select different mouse related events. मतलब आपको ये सारे events जो भी आपको select करना है वो आप कीजिए, then run the program and see what happened when you use the mouse on the event, okay. So यहाँ पर हम देखते हैं in the जो हमारे को code already given था, यहाँ अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले में ओनली क्लिक ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाला मतलब क्लिक बटन, सो क्लिक बटन आई थिंक ये वाला होगा, क्लिक बटन। जो नॉर्मल क्लिक पे क्या हो रहा है, सेट प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, क्लिक बटन की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, और हमने यहाँ RGB का यूज़ किया है गाइस। RGB इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर, जो हमें रैंडम नंबर हमने दिया, इट मीन्स रैंडम नंबर, इट मीन्स 0 to 255 की रेंज में जो भी कलर आता है वो वहाँ पे सेट हो जाए। यू कैन सी हियर रैंडम नंबर फॉर रेड, रैंडम नंबर फॉर ग्रीन एंड रैंडम नंबर फॉर ब्लू, ओके। सो लेट्स सी, रन, क्लिक, सो आप देखेंगे माउस अप, अप इट मीन्स जब प्रेस करके आप उसे छोड़ेंगे, ठीक है, माउस अप। तो माउस अप वाला जो है हमारा दिस वन, माउस अप, माउस अप बटन, सो आई थिंक इसी की प्रॉपर्टी, इसी की आईडी है माउस अप बटन, राइट। जब आपने माउस को अप किया तब क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, ठीक है। किस पे चेंज होगा, जब आप माउस अप करते हैं, ऐसे ही होता है माउस डाउन, मतलब आपने माउस को डाउन किया, प्रेस किया, और अप इट मीन्स उसको प्रेस करके छोड़ दिया, एंड माउस ओवर इट मीन्स आपने माउस को इसके ऊपर लेके आए अपने कर्सर को, एंड माउस मूव इट मीन्स आप अपने माउस को मूव कर रहे हैं। सो सबसे पहले रन करते हैं, देखिए माउस मूव इज रनिंग,
यू कैन सी, अगर हमने मूव नहीं किया तो वो कुछ नहीं करेगा, और जैसे ही हम मूव कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली इसके जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो चेंज हो रहा है. इसके ऊपर अगर हम माउस ओवर करते हैं, माउस ओवर, ठीक है, तो अलग अलग हर बार जैसे ही हम उसके पर अपना कर्सर, अपना माउस लेके आते हैं, जिसका कलर चेंज हो रहा है. ठीक है, तो इसीलिए हमने रैंडम नंबर यूज़ किया है. आरजीबी में रैंडम नंबर हम इसीलिए ही यूज़ किया, ताकि एक स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर कलर बार बार ना आए. क्लिक आप देख ही चुके हैं. सबसे पहले करते हैं हम माउस डाउन. देखिए, जैसे ही माउस डाउन हो रहा है, कलर चेंज होगा. आपको प्रेस करना है अपने माउस को, ठीक है, क्लिक करना है. देखिए, और ऐसा ही होता है, माउस अप, मतलब प्रेस करके जब आप उससे छोड़ेंगे तो दैट इज माउस अप. देखिए, अब ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया. ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. ओके, सो फिनिश इट. ओके गाइस, सो इन दिस एक्टिविटी हमें बताया गया है कि हमें इमेज को कैसे ऐड करना है इन द डिज़ाइन मोड. सो हमारे पास एक इमेज का टूल बॉक्स होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसे हम ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप करेंगे हमारी स्क्रीन पे. ठीक है, और जो भी हमें करना है वो हम बताऊँगी मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में. ठीक है, सो मैं कर देती हूँ इसको नेक्स्ट. ओके, सो इट्स अ सिंपल चेस गेम. ओके, ऐड अ इमेज एंड मेक अ चेस गेम. जैसे कि आप राइट साइड में देख सकती हूँ, एक मैसेज है हमारे पास, कैच द बनाना. ठीक है, जैसे हमने लिखा है ट्राई टू कैच. अब हमने क्या किया, एक इमेज यूज़ की है इस बनाना की. ठीक है, तो हमने भी एक इमेज यूज़ कर लेते हैं. हम क्या करेंगे, इस बटन को तो डिलीट कर देते हैं. सबसे पहले डिज़ाइन मोड पर आ जाइए, इसके बाद डिलीट दिस बटन. उसके बाद हम एक इमेज यूज़ करने वाले हैं, दिस इमेज. आफ्टर दैट हमें यहाँ से हमारी इमेजेस चूज़ करनी है. जो इमेज की एक प्रॉपर्टी है, जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज की सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देगी. ठीक है, तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है इमेज चूज़ करने के लिए, तो यहाँ से हमें उसे चूज़ करना है. देखिए, सो हमारे पास काफ़ी सारे हैं ऑलरेडी, तो मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ लाइक दिस. ठीक है जी, इसके बाद इसकी कोई फिक्स पोजीशन है? ठीक है, हमें इसकी बार बार पोजीशन को चेंज करते जाना है. कैसे कैसे चेंज करते जाना है, जब भी हम इस पर क्लिक करें तो इसकी पोजीशन चेंज होती रहे, मतलब ये कहीं पे कहीं से हाइड होके कहीं पे शो होने लग जाए. Add an image to your app and modify the code so that the image jumps around the screen rather than the button. At the end of this level, your game should have text on the top of the screen. यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है try to catch, उसे वैसे ही रहने देंगे. ठीक है जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने code part में. Okay. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ऑन इवेंट में जो आईडी है और सेट पोजीशन की जो आईडी है, दोनों की आईडी को आपको इस इमेज की आईडी हमें लगानी है. ठीक है, बिकॉज अब ये इमेज बन गया है, बटन नहीं रहा. सो इमेज की आईडी है इमेज टू. सो हमने ऑन इवेंट में भी आईडी चूज़ की है इमेज टू, मतलब जब हम इस इमेज पर क्लिक करें तब होगा क्या, इसी इमेज की पोजिशन चेंज होगी. ठीक है, सो सेट पोजिशन में भी हमने इमेज टू ही यूज़ किया है. और यहाँ पर जो 20 और 50 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, अभी अगर हम रैंडम कोई पर्टिकुलर नंबर डालते हैं तो ओनली एक बार ये जंप करेगा, बार बार जंप नहीं करेगा. सो लेट्स सी, देखिए इसके बाद ये कोई जंप नहीं कर रहा है. अगर हम यहाँ पे 20 और 50 की अगर हम रैंडम नंबर लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है बार बार जंप करे. सो आ जाइए जल्दी से मैथ टूल बॉक्स में एंड रैंडम नंबर हेयर ऑल्सो एंड रैंडम नंबर हेयर ऑल्सो. रैंडम नंबर फॉर एक्स, एक्स इट मीन्स विथ जो हमारी लेफ्ट टू राइट वाली है, उसमें कितना आपको टारगेट रखना है, कितने एरिया में आपको जंप करवाना है. तो मैं चाहती हूँ 20 से लेके वो जंप करे 280 तक. ठीक है, एंड टॉप टू बॉटम में वो 30 से लेके जंप करे 350 तक. ठीक है, रन. ओके, लुक
जैसे जैसे हम इसे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, ठीक है, बिकॉज हमने रैंडम नंबर यूज किया है. दैट्स इट, फिनिश. ओके गाइस, सो यहाँ से ये एक्टिविटी, ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.